में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। जय हिंद। ये तस्वीरें हकीकत बयान कर रही हैं सरदना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां खुलेआम जनता के साथ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का सच उजागर हुआ है। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। दिन है 3 अगस्त 2021। सरदना सामुदायिक केंद्र के इस भ्रष्टाचार का खुलासा उस वक्त हुआ जब सरदना के विधायक संगीत सोम ने सरदना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक निरीक्षण किया तो पाया कि भ्रष्टाचार का खेल और कमीशन खोरी का खेल शबाब पर है, खुलेआम खेला जा रहा है। विधायक संगीत सोम ने बताया कि उनको काफी समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदना पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। स्वास्थ्य केंद्र पर आने के बाद मरीजों को दवा का पर्चा थमा दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको मेडिकल स्टोर से लाइए। छापेमारी के दौरान कुछ रजिस्टर ऐसे भी बरामद हुए हैं जिन पर दवाइयों के कमीशन की एंट्री भी है। इतना ही नहीं, डॉक्टर का किस डॉक्टर का कितना कमीशन है इसका विवरण भी मिला है। मामले को तूल पकड़ता देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ACMO सुशील गौतम को मौके पर भेजकर उनके सामने भी मरीजों ने खुलकर स्थानीय जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मी है, उनकी शिकायत की और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके बाद CHC प्रभाकर डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया गया। पूरे मामले पर मेरठ मित्र ने विधायक संगीत सोम से बात की। देखिए क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर संगीत सोम। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। यहाँ के डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर सचिन है यहाँ का इंचार्ज है। ये लोग यहाँ से सबसे बाहर से दवाई मंगा रहे हैं। आप लोगों के सामने पेशेंट सब बता रहे हैं 2100 की 2200 की। स्टोर वाला कोई बिल नहीं दे रहा है, रजिस्टर में बाकायदा नाम लिख रहा है। ये नाम लिख के और किस डॉक्टर ने भेजा वो लिख रहा है स्टोर वाला। और अगर किसी के सिरिंज भी लगनी है तो 50 रुपये लिए जा रहा है। जो भी नर्स आ रही है देखने वो 100 रुपये मांग रही है। ये भ्रष्टाचार इस तरीके की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार आपने पकड़ा है, क्या कार्रवाई इसमें होगी? इस पे सस्पेंड होंगे सब लोग, सस्पेंड होंगे जितने लोग इसमें लिप्त है सब में सस्पेंड होंगे। अभी मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात किया हूँ, अभी मैं कमिश्नर से बात किया हूँ, अभी मैं DM से बात किया हूँ, SDM यहाँ बैठे हुए हैं, अभी CMO से बात किया हूँ। अभी मुझे CMO ने कहा कि मैं 5 मिनट में आदेश भेज रहा हूँ पहले तो यहाँ के प्रभारी को हटाने के, अभी लेकिन हटाने से काम नहीं चलेगा। सबको सस्पेंड कराऊंगा, मैंने उनकी जांच करा, सबको सस्पेंड कराऊंगा, एक भी नहीं बचेगा। मेडिकल स्टोर पे भी कार्रवाई होगी? 100% मेडिकल स्टोर जो धांधली में है उसके रजिस्टर मैंने उठवा कर मंगवा लिए, वो मेडिकल स्टोर वाले। प्रभारी के अलावा किस किस के नाम सामने आए? एक सचिन कोई डॉक्टर है, एक उसकी पत्नी है, एक ये प्रभारी, दोनों है, पत्नी पति पत्नी दोनों डॉक्टर है यहाँ। हाँ, और एक यहाँ प्रभारी है और कई डॉक्टर है। कौन डॉक्टर सारिका कौन है, वो क्या नाम है उसका? एक कोई और डॉक्टर है, एक और डॉक्टर सारिका है। इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ धंधा चलाया हुआ है, इस तरीके का लोगों को परेशान किया हुआ है। अगर इतने अमीर लोग हैं तो इन सारे प्राइवेट में जाते ना, यहाँ गरीब लोग आते हैं, लेकिन इन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। 2022 की दवा बाहर से निकले, इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, जाँच होकर बर्खास्त होने चाहिए, सस्पेंड नहीं है, बर्खास्त होने चाहिए। विधायक जी, एक मामला और यहाँ का बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन से एक मशीन यहाँ रखी हुई है अल्ट्रासाउंड की, लेकिन वो चल नहीं पा रही है, उसके बारे में कुछ एक्शन? स्टाफ नहीं है, मेरी CMO से बात हुई है, वो स्टाफ उसके लिए। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे ट्विटर चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।